नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ दीपक सिंह दैनिक समाचार से। बठिंडी में काफी लोगों का नुकसान हुआ है और तस्वीरें हम आपको लाइव दिखा रहे हैं। रात को जो बारिश हुई है, रात को भी नहीं सुबह सुबह जो बारिश हुई थी, उसकी वजह से जो पानी नालों में आया है, उस न, न, पानी आने के कारण यहाँ पर काफी नुकसान हुआ है। घर जो है वो 3 मंजिला बताया जा रहा है, घर गिर गया है। और जहां पर मैं खड़ा हूँ यहाँ पर भी नीचे जो है ये मकान, इसको भी काफी नुकसान हुआ। और जानकारी ये है कि ये डीसी का घर है। ये नीचे लोग हैं, आप थोड़ा सा अपना अरुण जी थोड़ा इधर आ जाओ, इनकी बात सुनेंगे कि ये क्या कहते हैं। अब भैया नाम बताएं अपना। सर मेरा नाम मोहन है। मोहन जी? जी मोहन जी, कहाँ से आप? मैं सर एमपी से हूँ, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश है? जी जी जी। अच्छा, हुआ क्या है? सर 4:30 बजे कोई बारिश हुई, बहुत जोरदार बारिश आई। अच्छा हाँ, 4:30 बजे बारिश आई तो 5 बजे सर नाला इतना उफान गया है, क्या बताएं। इसके बाद इस नाले की दीवार गिरी, पानी अंदर आने लगा। अच्छा, उसके बाद मकान के सर नाले में पानी वाला भी गिर गया। ये सुबह 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 की करना है? अच्छा जी। नहीं तो ये घर किसका है? ये सर डीसी का है। एक मिनट दिखाओ, डीसी का घर है? जी जी जी। कौन सा डीसी का? कहाँ? नजीर शेख। क्या नाम है? नजीर शेख। नजीर शेख जी जी। कहाँ रहते हैं ये सर? इधर ही, ये अबू बाका कॉलोनी भटिंडी। हाँ, अबू बाका कॉलोनी भटिंडी। अच्छा जी, तो अभी कहाँ पर है ये डीसी सर? लद्दाख। लद्दाख में डीसी है? नहीं, लद्दाख में डीसी नहीं, रजौरी डीसी है। रजौरी में डीसी है? जी। अच्छा, ये रजौरी डीसी का घर है? जी जी। आप पहुंचे लद्दाख? अच्छा, आप लद्दाख पहुंच गए हैं? जी जी। तो ये उनको पता है कि उनका घर गिर गया है? नहीं, उनको, हाँ मैंने फोन किया, उनको पता है। अच्छा, अब उन्होंने जम्मू डीसी को भी फोन किया, क्या है क्या नहीं, बोल रहे थे एक्शन आया फलाना आया, तब देख के गया, बोले मशीन आई थी, मशीन आई, बोले मशीन नहीं उतरेगी, ये जो थे अब नाला सब पानी गए, रात के बाद पानी फैलता जाएगा। अच्छा, हम मशीन से जरा पीछे से बुलाई थी, पीछे से आई थी, हम मशीन देखो ना, पीछे से नहीं आएगी मशीन डीसी की। ये थोड़ा दिखाओ पीछे से। अच्छा, पीछे से आ जाएगी, जब भी मैंने मंगाई थी। अच्छा, अब बोल रहे आते एक्शन आते देख गया, बोल रहे नहीं खड्डा बहुत बड़ा खड्डा, इधर मशीन नहीं आ पाएगी। हाँ। अब आज रात के लाला की सफाई नहीं गई, रात के बारिश आई, हम लोग कहाँ जाएंगे? हवालो, ये यहाँ पे पुलिस चौकी है, बठिंडी पुलिस चौकी, उसके बैक साइड से जगह तो है, दिख भी रहा है कि यहाँ से ये जगह है, बैक साइड जगह, आराम से मशीन चला के आराम से आ जाएगी, ये तोड़ आराम से कर देगी। हाँ, बोल रहे इधर खड्डे कहीं मशीन नहीं आ पाएगी। ये कौन बोला था? बोल रहे साहब को मैंने फोन किया ना, किसी आपको बोल रहे एक्शन साहब देखा, बोल रहे खाई बहुत है और चैन वाली मशीन आई, मशीन नहीं काम गई। मैंने रास्ता बन जाना है, आराम से तोड़ के। मतलब ये डीसी जो रजौरी है उनके साथ ऐसा व्यवहार है यहाँ का? जी, यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन का। डीसी साहब का बोल रहे थे एक्शन साहब आज देख के गए, बोल रहे बहुत बड़ा वो है, मशीन काम नहीं करेगी, ऐसा वैसा, तो कल हम चैन वाली मशीन भेजेंगे, मौसम साफ रहेगा। चैन वाली मशीन कल? अच्छा, रात को बारिश हुई, हम लोग कहाँ जाएंगे कल की? कौन देखता है, देखो ना ये आप इस घर का क्या क्या टूटा? इसका घर का ये पूरा कमरा गिर गया, ये सीढ़ी टूटी, इधर बाथरूम था, हम लोगों के लिए बाथरूम भी टूट गया। अच्छा, बाथरूम भी टूट गया? नहीं, माइक पास रखे। जी जी। बाथरूम टूट गया जी, सीढ़ी, ये सीढ़ी यहाँ से बाहर आने की थी? बाहर आने का रास्ता, ये कमरा था ना, ये देखो ये लैंटर है आपके सामने। अरे ये लैंटर है, ये पूरा टूट गया, इधर से हम लोग बाहर आते थे। अच्छा, तो आप बाहर कहाँ से आ रहे हो? अब रास्ते ही नहीं है, थोड़ा सीढ़ी लगाई, हम ही बाहर निकल पाते हैं, बाकी बच्चे। अच्छा, देखो इन्होंने एक सीढ़ी यहाँ पर लगाई है, इस सीढ़ी की मदद से ये यहाँ से बाहर आते हैं। बच्चे अंदर ही, कौन निकलेगा? ये दिखाओ। अच्छा, कितने लोग हैं आप अंदर? हम लोग 7-8 बंदे हैं, एक लड़का हमारा हैंडीकेप है। अच्छा, वो लड़का हैंडीकेप है, बाहर निकल पाते हैं। नन्ना सा बच्चा भी है, ये देखो एक छोटा नन्ना सा बच्चा है। दो ही महिलाएं हैं? हाँ। अच्छा, दो महिलाएं हैं, एक ये है छोटा बच्चा तो, और एक साथ में हैंडीकैप है ये लड़का। हाँ। और दो आप हैं? जी जी। तो मतलब 6 सदस्य? हाँ। और भी है कोई? हाँ भाई, 6-7 सदस्य और हैं, दो बाहर गए। तो अब यहाँ इस सीढ़ी से आ रहे हो कि पीछे कोई और सीढ़ी? कुछ नहीं है, इसी सीढ़ी से आते हम ही घर, बाकी निकलने का रास्ते ही बंद हो गया। अच्छा जी भैया, कितने बजे है ये सुबह? कितने बजे? ये सुबह 5:20 हुआ मैडम। सुबह 5? नहीं 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 कुछ नहीं, कुछ नहीं,
नहीं, ये तीन मंजिला मकान गिरा तो आप बचे कैसे? ये इस अब इन्हें देखो ना, ये पड़ा है पिलंत तक आए, देखो ना उसकी मकान का ये खड़ा पिल्लर इधर आपके सामने खड़ा है भाई, ये पिल्लर आपके सामने खड़ा है, ये मकान चीज आपके सामने खड़ा है पिल्लर। जी नहीं देखो ना, ये पिलंत उसका दीवार का पिल्लर ये खड़ा है आपके सामने इधर। अच्छा, और इधर आया उसका लेंटर वो पड़ा पूरे नाले में, नाला पूरा ब्लॉक है। नहीं तो उधर कोई रहता था? नहीं सर, खाली कर दिया पहले। ऐसा तीन मंजिल मकान ऐसा बना था, तीन मंजिल मकान दिखाओ। ये तीन मंजिल मकान था, ये गिर गया था 6 महीने पहले। अच्छा, 6 महीने पहले गिर गया ये तीन मंजिल मकान। अच्छा, उस वजह तो हमें नहीं, मतलब नाले के ऊपर तीन मंजिल मकान। हाँ, ये नाले के नहीं था तीन मंजिल। ये हमें लगता है कि परमिशन नाले के ऊपर ही कैसे परमिशन मिली है लोगों को? अब इसका नाले की सफाई हो जाए, पानी निकलने का रास्ता हो जाए, जिसमें हमारे अंदर पानी न जाए। अच्छा, हाँ ये करवाओगे मशीनें यहाँ, इसको सफाई करें नाला की, पानी बाहर निकले हमारे अंदर। मतलब सामने कोई नहीं रहता? कोई नहीं है। अच्छा, हम ही रहते हैं। एक शख्स को यहाँ भेजो, ये माइक देंगे इनको। जाइए पेपर भाई, जाइए पेपर भाई, लाइए माइक। एक शख्स यही है पेपर भाई, आए किरण भाई। अच्छा भैया, आप जरा यहाँ आ जाओ, ये वाला माइक दे दो हमको। बंदा ही है मैडम जी, कहाँ से निकले? देखो ना ये लोग कितने परेशान हैं। 5-6 सदस्य हैं, छोटा बच्चा है, 2 महिलाएं हैं। और नुकसान वैसे ही हमारा सामान पूरा बह गया, सारा बह गया, सब उन्ना कपड़ा जो भी खाना पीना सामान सब बह गया, राशन पानी। तो ये तस्वीरें हम आपको बताएं, बठिंडी से दिखा रहे हैं। यहाँ पर रात को जो रात को सुबह जो बारिश हुई है उसके कारण जो नुकसान हुआ है, और नुकसान में जानकारी ये भी मिली है कि एक डीसी साहब का घर है उसका भी एक शौचालय गिर गया है, सीढ़ियां थी वो भी गिर गई हैं, और ये लोग जो है वो काफी परेशान है। ये देखें, इनको हमने माइक दी थी, ये बात कर रहे थे हमसे, और इन्होंने इसके बटन दबा के वो भी बंद कर दिए थे। तो बड़ा हैरान करने वाला मामला है, सामने देखें, सामने कितने बड़ा खड्डा हो गया, और सिर्फ यही एक जगह नहीं है यहाँ पर ये नुकसान हुआ है। एक गली ऊपर जाकर जाए देखेंगे तो वहां पर भी बहुत ज्यादा लोगों का नुकसान हुआ है, वहां पर भी बहुत ज्यादा नुकसान है। इस नाले के साथ साथ में थोड़ा सा दिखाएं, आप यहीं रहते हैं? नहीं, हम इधर रहते थोड़ी आगे। अच्छा, मतलब ये थोड़ा सा इधर आगे। अच्छा, इधर ही रहते हैं। ये पुली गिर जाएगी तो रास्ता बंद हो जाएगा। फिर कितने देर से रह रहे हैं इधर? हमको 1 साल हो गया। 1 साल से रह रहे हैं? हाँ, 1 साल से। पहले ठीक था रास्ता? हाँ, पहले सही था। मतलब ये प्रॉपर नाला? ये मकान गिरा नहीं, मकान की वजह से नाला बंद हो गया, तो गिरते ही जा रहा है मकान। पहले ये गिरा था, फिर अब वो गिरा। देखें, पहले ये वाला मकान इधर था, तीन मंजिल मकान था इधर पे। अच्छा, हाँ, तो पहले वो गिरा एक बारिश में, फिर अब ये गिरा। अच्छा, तो मतलब एक मिनट, मैं सर आपका नाम जान सकता हूँ? आप नहीं बात करेंगे, ये बात नहीं करेंगे, लेकिन ये कह रहे हैं कि पहले यहाँ पर एक मकान था, वो गिरा 6 महीने पहले, और उसके बाद फिर धीरे धीरे मकान गिरने का सिलसिला शुरू हुआ। रात को बारिश हुई तो ये सामने का मकान भी गिर गया, और सिर्फ इतना ही नुकसान नहीं है, यहां से इस एंगल से अगर आप तस्वीर देखेंगे तो आपको पता चलेगा कितना ज्यादा नुकसान है। डीसी राजौरी हैं, उनका ये जैसे जानकारी दे रहे थे जो लोग यहाँ रहते हैं, डीसी राजौरी का ये घर था, इसको भी काफी क्षति पहुंची है। नीचे देखें कितना ज्यादा नुकसान है, जेसीबी यहाँ पर अभी तक पहुंची नहीं है। सुबह 5 बजे की ये घटना है। इस तरफ अगर आप थोड़ा सा ऊपर वाली साइड नजर मारेंगे तो इस तरफ अगर ऊपर देखेंगे तो यहाँ पर भी जो घर दिख रहे हैं वो भी खतरे में ही है। सामने से एक घर के बाहर का जो बाहर की दीवार है वो भी गिर गई है, ये भी एक नुकसान हुआ है। और यहाँ के किस तरह से परमिशन मिली है, कैसे ये लोग घर बनाए हैं, और अगर परमिशन दी गई है तो फिर अब इसकी तरफ ध्यान क्यों नहीं दिया जा रहा है? जब लोगों का इतना नुकसान हो रहा है तो फिर ध्यान क्यों नहीं दिया जा रहा है? आखिर इन लोगों को कुछ हो जाता है, ये तो खुदा का शुक्र है कि यहाँ पर इस घर में कोई नहीं रहता था, यहाँ कोई नहीं रहता था, इसलिए घर का तो नुकसान हुआ ही है, क्षतिग्रस्त तो हुआ ही है घर, लेकिन लोग कोई नहीं थे, बच गए, लेकिन सामने वाले घर में तो लोग रह रहे थे और उनका भी वहां पर नुकसान हुआ, क्योंकि ये वाली बिल्डिंग जब गिरी तो वो पिलर जो है वो उनकी वहां पर दीवार पे जाकर टकराया है, और वो तो बाल बाल बचे हैं। इसकी तरफ कौन ध्यान देगा? इस खबर के ऊपर आप प्रतिक्रिया रखें और देखते रहें दैनिक समाचार। मुझे और मेरे सहयोगी अरुण कुमार को दें साथ। नमस्कार।